सब बीच में आप देख लीजिए, संविधान संविधान खत्म करने के लिए आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, भाजपाइया संविधान खत्म कर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी, गरीब गुरुवा कुर्सी पे नहीं बैठे, इसलिए वो लगे हुए चारों तरफ। आप पूरा देख लेते इन लोगों का टारगेट पे कौन लोग आते हैं, जो मुंह में आवाज देने का काम किया, जो कुर्सी पे बैठाने का काम किया। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, अब बार बार हम लोग के परिवार को टारगेट बनाया जा रहा है शुरू से, क्योंकि हम ही लोग जानते हैं और हमारा पूरा दल और राष्ट्रीय जनता दल शुरू से टारगेट रहा है और अभी भी टारगेट, कि हम ही लोग जानते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान चलेगा, किस तरीके से गरीब में परिवर्तन आएगा। शुरू से उनका यही हमेशा शुरू से मार्गदर्शन रहा है। अब वही हम अर्जुन को भी यहां बोलते आते हैं हमेशा कि घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं भाई भाई को भी अलग करने के लिए, लेकिन उनके बहकावे में नहीं आना है। कृष्ण का हमेशा स्मरण करते रहिए। आप गीता में देख लीजिए, बिना कृष्ण के अर्जुन के कोई युद्ध जीत ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग लगे रहते हैं पीठ पे चढ़े रहते हैं पीठ पे, अब देख लीजिएगा भाषण देने के लिए मारा मारी घोसा घोसी सब हो जाता है। अरे जिसको जिसको मौका मिलेगा वो सब अपना अपना भाषण देगा, हमको मौका मिला हम भाषण दे रहे हैं, हम भी नंबर में लगे हुए थे, तमाम लोग सब लोग नंबर में लगे हुए रहते हैं। अब भगवान का दया होता तो नंबर मिल जाता। तो किस तरीके से नौजवानों को जोड़ना है, पार्टी को एकत्रित करना है और आगे का जो लड़ाई है बहुत संघर्षशील लड़ाई है। क्या हम बताने, सब तो हटे, बिना संघर्ष के बिना खून पसीना बहा करके लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। हम वही अभियान एगो चलाने का काम किया, एलपी मूवमेंट, जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण मूवमेंट हुआ था उसी तरीके से एलपी मूवमेंट हम चलाने का काम करेंगे, लालू प्रसाद यादव मूवमेंट। तो तेजस्वी जी हमको बोले कि हम लोग दिल्ली गए हुए थे उस समय, तेजस्वी लेकिन 20 तारीख से शुरू हो रहा था, तो तेजस्वी जी बोले कि भाई हम आ जाते हैं तो हम लोग बैठ करके समय तय कर लेंगे। अब तेजस्वी जी बताइए कब समय तय कीजिएगा, क्योंकि हमको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जेल से बाहर लाने का काम करना है। उसके लिए आंदोलन करना होगा, जिस तरीके से जयप्रकाश जी को बचाने के लिए आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी अपने पीठ पर लाठी खाने का काम किए थे, उसी तरीके से आंदोलन छेड़ना होगा। ऐसा एक दो दिन का आंदोलन नहीं करना होगा, एक दिन पुलिस को देख लिया भाग गए, जेल भरो अभियान होगा, जेल भरो अभियान होगा। जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ कौन कौन जेल जाएगा मेरे साथ, हाथ उठाइए, आप लोग जेल नहीं जाएंगे क्या? तेजस्वी जी हाथ कहाँ उठा रहे हैं, इतने लोग जेल जाएंगे, जेल भरो आंदोलन होगा।